Hello everyone, welcome to LK Academy. Today we will continue with the current affairs of this week. So your first current affair news is new FDI rule. Okay, so India has made a changes in the new FDI rule. India ने अपने जो FDI rules है उसमें कुछ कुछ changes किए हैं. अब पहले तो FDI क्या है, हम सबको पता है कि FDI is foreign direct investment. जब बाहर की कोई country directly या indirectly India में कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, ओके, तो तब उसको क्या कहा जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट्स अप्रूवल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय नेबरिंग कंट्रीज मैंडेटरी. तो अब क्या था, देखिए इससे पहले क्या होता था कि दो चीज़ें होती थी, या तो आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे जहाँ पर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और दूसरा था जहाँ पर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी. अब दोनों ही केसेस में फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन अगर बाहर से कोई पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी. और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि COVID-19 की सिचुएशन में जो इंडियन कंपनीज को जो लॉस हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए ये फैसला लिया गया है. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट्स अप्रूवल कंपल्सरी for foreign direct investment by neighboring countries. This revised FDI policy aims to curb opportunistic takeovers, acquisitions of Indian companies due to current COVID-19 pandemic. Okay, देखिए क्या होगा, काफ़ी सारी companies बंद पड़ी है अभी पिछले एक महीने से. आने वाले कितने time में वो बंद रहेगी वो पता नहीं है, क्योंकि जो COVID-19 का जो numbers है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. Okay, so इस cases में क्या होगा कि लॉस से बचने के लिए जो मीडियम स्केल या छोटी कंपनीज होगी वो अपना कुछ हिस्सा फॉरेन कंपनीज को बेच देगी. ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनीज होगी जो इसको खरीदेंगी, चाइनीज पीपल. ओके, सो गवर्नमेंट डू नॉट वांट के चाइना का इंटरफेयर इंडियन इकोनॉमी में बढ़े, एंड दैट्स वाई दिस चेंजेस हैज बीन मेड. अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या क्या रूट है. FDI is allowed अंडर टू मोड्स. Okay, either through the automatic route for which companies don't need government approval, or through the government route for which companies need a go-ahead from the center. According to the new FDI policy, kya hoga? An entity of a country which shares a land border with India, or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under the government route. Okay, तो जो भी country Indian border share करता है, okay, या तो उसका beneficial owner जो है, okay, वो किसी तरह India में या इन countries में अगर situated है, India का या ऐसे किसी countries का situation citizen है, so वो सिर्फ government route के under में गवर्नमेंट रूट के अंडर में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा. ओके, अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन FDI डील दैट बेनिफिट्स एनी कंट्री दैट शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया विल आल्सो नीड गवर्नमेंट अप्रूवल. ओके, सो बेसिकली इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए ये रूल लाया गया. और कौन से कंट्रीज होंगे, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एट्सेट्रा. ओके, एंड बांग्लादेश. India shares land border with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. तो ये सात countries जो है वहाँ से अगर कोई foreign direct investment आ रहा है तो वो अब automated route से नहीं आ सकता, उसको compulsorily government approval लगेगा. And after government affirmation, after government's nod ही जो investment है वो आगे जा पाएगा. Okay, देखिए इसका impact क्या होगा. The earlier FDI policy was limited to allowing only Bangladesh and Pakistan via the government route in all sectors. पहले सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए government approval जरूरी था. Okay, the revised rule has now brought companies from China under the government route filter. तो अब चाइना को भी, चाइना की जो companies है जो पहले direct investment कर लेती थी उनको भी अब government route के थ्रू ही जाना पड़ेगा. Okay, China's footprint in the Indian business space has been expanding rapidly, especially since 2014. तो इसको रोकने के लिए FDI का COVID-19 की सिचुएशन का वो लोग फायदा ना उठा पाए, इसके लिए
इंडियन इकोनॉमी में चाइनीज इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एफडीआई पे रोक लगाई गई है। एफडीआई पे रोक लगाई गई है इन दी सेंस के अब अगर एफडीआई आना होगा तो वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा, कोई किसी और मींस से वो नहीं आ सकता। ओके देखिए बाकी के मींस क्या हो गए कि अगर शेयर खरीद लिए या किसी इंडियन कंपनी को स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, फंडिंग दे दिया, तो वहां पे भी उनको बेनिफिट्स मिलते थे, वो सारी चीजें अब यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ओके चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो देखिए कितना चाइनीज इन्वेस्टमेंट है अपने यहाँ। द नेट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वॉज 1.6 बिलियन डॉलर इन 2014 शॉट अप 5 फोल्ड टू एटलीस्ट 8 बिलियन डॉलर्स ओके इन द नेक्स्ट ईयर। तो 2017-18 तक ये कितना हो चुका है, 8 बिलियन डॉलर्स। ओके एंड दैट्स व्हाई आवर गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग के भाई मेक इन इंडिया वाला जो सामान है उसका इस्तेमाल करो, चाइनीज फोन्स चाइनीज सामान का इस्तेमाल मत कीजिए। ओके विथ अ नोटिसेबल शिफ्ट फ्रॉम द स्टेट ड्रिवन टू मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द चाइनीज प्राइवेट सेक्टर। ओके चाइना ने सीधे जो मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ऑफिशियल फिगर्स अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे नीदर अकाउंट फॉर ऑल चाइनीज कंपनीज एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर नॉर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना रूटेड थ्रू थर्ड पार्टी कंट्रीज सच एज सिंगापुर। ठीक है तो देखिए चाइना क्या करता है गवर्नमेंट से बचने के लिए, पहले अपना पैसा सिंगापुर या हांगकॉन्ग या ताइवान ऐसे कोई कंट्रीज में लगाएगा, वो कंट्रीज की जो कंपनीज है वो अपना पैसा इंडिया में लगाएगी। ओके और इंडियन गवर्नमेंट इतनी सफिशियंट नहीं है कि इतना डीप रूटेड एनालिसिस करके एक्शन ले सके, और एंड दैट्स व्हाई ये लिया गया है कि भाई अगर आपको भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आपको सीधा गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, गवर्नमेंट पहले उसको वेरीफाई करेगी, देन ओनली द परमिशन विल बी गिवन। ओके तो चाइना वाल चाइनीज जो स्ट्रेटेजी है वो अपने को पता है कि वो अपना ही फायदा देखेंगे। ओके फॉर इंस्टेंस 504 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सिंगापुर आर्म ऑफ द मोबाइल फ्रॉम जायोमी वुड नॉट फिगर इन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स बिकॉज ऑफ हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर मेजर्ड। तो देखिए जायोमी ने इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो अपने को पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। और जो हमारी मेजरमेंट जो इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट की जो हमारी टेक्निक्स है वो ऐसे जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट है उसको काउंटर नहीं करती है, उसको एक्नॉलेज नहीं करती है। इट हैज बीन सीन दैट द चाइनीज फर्म्स हैव एस्केप्ड द काइंड ऑफ सिक्योरिटी इन इंडिया दैट देयर इन्वेस्टमेंट हैव अटैच्ड इन द वेस्ट डिस्पाइट सेवरल हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशंस। ओके तो जो स्क्रूटिनी है उसको ये लोग किस तरह से बाईपास कर देते हैं। ओके दैट इज दिस स्ट्रेटेजी। ओके अनदर कंसर्न इज दैट नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन द चाइनीज स्टेट एंड प्राइवेट बिजनेसेस। ओके तो गवर्नमेंट अपने इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं कि जो चाइनीज स्टेट और प्राइवेट बिजनेस में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसको डिफर कर सके, एंड दैट्स वाई हमारे मार्केट में चाइना का इतना इंटरफेरेंस हमको देखने को मिलता है। दे वर्क क्लोजली इन परस्यूइंग मैनी गोल्स। ओके और यहाँ पे देखिए मैंने एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, द हिंदू से लिया हुआ है ये ग्राफ, तो वो आपको दिख रहा है कि भाई कौन से एरिया में ईयर वाइज कितना इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से था। ओके चलिए और जो फिगर्स है वो आपके 2000 मिलियन डॉलर 4000 मिलियन डॉलर, सो फिगर्स आर इन द यूनिट ऑफ मिलियन डॉलर और एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं। ओके तो जो 1.6 बिलियन डॉलर था वो 2017-18 में बढ़ के कितना हो गया है, 8 बिलियन डॉलर। ओके और देखिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे दिखता है अपने को, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंज्यूमर गुड्स में, एनर्जी सेक्टर में, रियल एस्टेट में एंड ऑटोमोबाइल्स में। ओके सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पार्टी इन वन कंट्री इन टू अ बिजनेस और कॉरपोरेशन इन अनदर कंट्री। ओके तो ये जरूरी नहीं कि चाइनीज गवर्नमेंट ही यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करेगी। ओके हो सकता है कि चाइना की प्राइवेट फर्म्स भी इंडिया में इन्वेस्ट करें, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
कोई इंडिविजुअल भी अगर मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, विथ द इंटेंशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ लास्टिंग इंटरेस्ट. मतलब लंबे टाइम के लिए किसी कंपनी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो दैट विल फॉल अंडर FDI. लास्टिंग इंटरेस्ट डिफ्रेंशिएट्स FDI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, वेयर एज इन्वेस्टर्स पैसिवली होल्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अपने को पता है कि क्या है कि जो शेयर मार्केट है, ओके, या आपके जो बॉन्ड वाली जो सिस्टम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा पैसिवली, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होगा इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में, ओके, इट इज़ वन काइंड ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा, ओके, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों दोनों को फायदा करेगा, ओके. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय एक्सपांडिंग वन बिजनेस इनटू अ फॉरेन कंट्री, ओके, और जब ऐसा होता है तो वो बिजनेस फैलाने वाले को तो फायदा होगा ही होगा. जिस कंट्री में बिजनेस फैलाया जा रहा है उसको भी फायदा होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ग्लोबल मार्केट वहाँ पे क्रिएट होगा, ओके, इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो ये सारी चीजें दोनों को फायदा करेगी. और बाय बिकमिंग द ओनर ऑफ अ कंपनी इन अनदर कंट्री, ओके, मान लीजिए अभी XYZ कंपनी है तो वहाँ पे कोई चाइनीज सिटीजन अगर पार्टनर बनता है तो दैट, और वो अपना पैसा यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करता है या तो वो पूरे पूरा ओनरशिप उसकी खरीद लेता है तो दैट विल कम अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ओके. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर. और सबसे ज्यादा देखिए अब दुख किसको हो रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ऑलरेडी स्क्रूटिनी से गुजर के ही आ रहे थे, ओके. देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का स्क्रूटिनी से गुजर के आने का काफी सारे रीजन है, और मेन रीजन है कि उनके यहाँ से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है वो गवर्नमेंट चेक करेगी एंड देन ओनली गवर्नमेंट प्रोवाइड दी परमिशन, ओके. क्योंकि अगर कोई ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, अगर कोई टेररिस्ट मनी नहीं होना चाहिए तो वो पहले गवर्नमेंट स्क्रूटिनाइज करेगी, ओके. और अब इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज को गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ेगा, ओके. चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज राइज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, ओके. अभी देखिए ये तो काफी लॉजिकल चीज है कि आजकल हर कोई घर से ही काम कर रहा है और जो सब्जियां है जो सामान है वो भी ऑलमोस्ट काफी सारे लोग बड़े बड़े शहरों में ऑनलाइन मंगवा रहे हैं. छोटे डेली ट्रांजेक्शंस थे जैसे पॉलिसी इंश्योरेंस या एक दूसरे को पैसे देना, लेन देन जो है, ओके, बिजनेसेस की लेन देन है, वो पहले कई जगह पे कैश पे होती थी, बट अब देखिए करेंसी नोट पे भी कोरोना वायरस COVID-19 का खतरा बढ़ता जा रहा है कि अगर किसी को कोरोना वायरस है उसने अगर सर्कुलेट की है ऐसी करेंसी नोट तो वो जिस जिस जिन जिन हाथों से गुजरी है उन लोगों को भी COVID-19 का इन्फेक्शन लग सकता है. सो दैट्स वाई और ड्यू टू द लॉकडाउन, ओके, तो ये दोनों रीजन की वजह से क्या हो रहा है, जो डिजिटल पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म है उनमें एक्सपोनेंशियली राइज देखने को अपने को मिला है पिछले 1-1.5 महीने में, मार्च अप्रैल का जो महीना है, ओके, तो अपने को एक्सपोनेंशियली राइज वहां पे देखने को मिला है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट RBI डाटा, अ मंथ ऑफ मार्च 2020 व्हेन COVID-19 लॉकडाउन बिगेन सॉ शार्प राइज इन डिजिटल फिनेंस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कंट्री वाइड. तो पूरे देश में ही अपने को ये सिनेरियो देखने को मिला है कि भाई जो डिजिटल पेमेंट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है. द टोटल वैल्यू ऑफ रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट दैट इज RTGS, जो बिजनेसेस वाले ज्यादा यूज करेंगे, 2 लाख से अगर ज्यादा का अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो यू विल चूज दी मोड RTGS, ओके. रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ट्रांजेक्शन रोज बाई 34% अक्रॉस बैंक्स, सी 34% इन जस्ट दी मंथ ऑफ मार्च, ओके. जो RBI काफी टाइम से यूज ट्राई कर रही थी कि भाई आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, अब लोगों को फोर्सफुली उसको अपनाना पड़ रहा है, ओके. इट इज द बिगेस्ट ऑनलाइन पेमेंट मेथड ऑफर्ड बाय RBI, जो हर जगह मोस्ट प्रोबेबली जो लार्जर ट्रांजेक्शन होते हैं वो सबसे ज्यादा यूज RTGS के थ्रू होते हैं, ओके. द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज NPCI, और उनके द्वारा एक एप्लीकेशन चलाई जाती है जो आपके हर किसी के मोबाइल में मोस्ट प्रोबेबली होगी ही, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ओके, UPI, ओके. और गवर्नमेंट की UPI क्या है, भीम, ओके.
भीम यूपीआई, इट इज नोन एज लाइक दैट. ओके, सो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस रजिस्टर्ड मोर देन 125 करोड़ ट्रांजेक्शन इन मार्च. ओके, द नंबर्स हाउएवर डिप्ड स्लाइटली कंपेयर टू फेब्रुवरी एज देर वॉज अ डिप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू लॉकडाउन. ओके, सो फेब्रुवरी में एक्चुअली 125 करोड़ से ज्यादा थे ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू. ओके, बट क्योंकि लॉकडाउन है तो थोड़ा अपने को उसमें डेविएशन भी देखने को मिला है, थोड़ा डिप देखने को भी मिला है. ओके, रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स एज वेल एज रिटेल बैंकिंग ट्रांजेक्शन. देखिए पहले क्या होता था कि अगर गैस बिल भरना है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है या मोबाइल बिल भरना है, ओके, तो जो यूथ को छोड़ के जो ओल्डर लोग हैं, ओके, लेट्स से 35 और 40 प्लस वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, फिजिकली बिल भरते थे, फिजिकली बिल पेमेंट करने जाते थे. ओके, बट अब क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, ओके, सो दैट्स वाई पीपल आर फोर्स्ड टू मेक देयर पेमेंट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ओके, तो मोबाइल रिचार्जेस जो हो गए, बिल पेमेंट्स जो हो गए, ओके, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो सारे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे हो. उसी की वजह से उनके वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखने को हमको मिली है. एनपीसीआई रन भारत बिल पे वॉज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज एज इट रिकॉर्डेड 1.58 करोड़ ट्रांजेक्शन इन मार्च एज अगेंस्ट 1.49 करोड़ इन फेब्रुवरी. ओके, सीधा लिखे 10 लाख ट्रांजेक्शन भारत बिल पे बढ़ गए. ओके, अकॉर्डिंग टू द डाटा द यूसेज ऑफ कैश एंड अदर कैश बेस्ड सर्विसेज डिप्ड ड्यूरिंग द पीरियड. कैश विड्रॉल्स फ्रॉम एटीएम एज वेल एज यूसेज ऑफ वेरियस कार्ड्स हैव आल्सो गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. ओके, जब आप बाहर जा ही नहीं सकते तो आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करोगे. ओके, तो जो इसीलिए जो डिजिटल पेमेंट्स है उनकी संख्या बढ़ रही है. ओके, और एटीएम में पैसे निकालने भी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ रही. क्यों? क्योंकि सामने आप सारा ट्रांजेक्शन डिजिटली कर रहे हो. दिस कुड बी बिकॉज पीपल्स रिक्वायरमेंट फॉर कैश हैव फॉलन सिंस द स्पेंडिंग इज मेनली ऑन एसेंशियल्स एंड नेसेसिटीज. देखिए आजकल हम सब्जी और दूध, उसके अलावा हम आजकल कुछ खरीदी कर ही नहीं रहे, कुछ बाहर और मिल भी नहीं रहा है, तो आप पैसा निकाल के एटीएम से क्या करोगे, खर्च कहाँ करोगे, राइट? सो दैट्स वाई जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो फॉल हो गई है. द गवर्नमेंट्स आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑल्सो सॉ डिक्लाइन ऑफ 16.1% इन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन मार्च. ओके, और ये जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वो जनरली कहाँ पे यूज होती है, जो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे सीधे जमा करवाती है. ओके, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है वहाँ पे ये यूज होता है. हो सकता है कि हम और आप ये जनरली यूज ना करते हो अपने डे टू डे लाइफ में. ओके, चलिए अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिया गया है हर एक सिस्टम के बारे में. ओके, आरटीजीएस, उसी आरटीजीएस के जैसे आपको क्या मिलेगा, एनईएफटी एंड आईएमपीएस. ओके, सो एनईएफटी एंड आईएमपीएस इज दिस स्मॉलर वर्जन ऑफ आरटीजीएस. ओके, आरटीजीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड थ्रू विच मनी इज सेंट ऑन रियल टाइम बेसिस विदाउट एनी डिले. ओके, सेम आपका एनईएफटी में भी होगा और सेम आपका आईएमपीएस में भी होगा. ओके, एनईएफटी में थोड़ा लेट पहुंचेगा पैसा, ओके, विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर, ओके, एज पर दी बैंक साइकिल. आरटीजीएस अलाउड दी मनी सेंट बाई दी रेमिटर टू इमीडिएटली रीच दी बेनिफिशियरी एज एंड वेन द मनी ट्रांसफर ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड. तो आप जैसे ही आरटीजीएस या आईएमपीएस में डन का बटन दबाओगे, ओके, जैसे ही वो ओटीपी एंटर करके प्रोसीड का बटन दबाओगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट. ग्रोस सेटलमेंट रिफर्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस एंड नॉट इन अ बैच वाइज सिस्टम. ओके, सो बैच वाइज सिस्टम जो है वो कहाँ चलती है एनईएफटी में. मैंने आपको याद हो तो क्लास में ये चीज पूरी समझाई थी कि हर आधे घंटे में एक बैच चलता है. ओके, जो अब एनईएफटी को भी आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू 24/7 कर दिया गया है. ओके, पहले वो जस्ट बैंकिंग आवर्स के लिए अवेलेबल था, अब उसको भी 24/7 कर दिया गया है. ओके, तो मान लीजिए अगर आप 12 बजे या 12:01 पर अगर पैसा ट्रांसफर इनिशिएट करते हो प्रोसेस, ओके, तो वो 12:30 के बाद बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा. क्यों? क्योंकि जो बैच है, जो रिक्वेस्ट है, वो सारे एक साथ प्रोसेस होंगे एवरी हाफ एन आवर. 12 बजे सारे रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगे, उसके बाद 12:30 बजे सारे रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगे,
उसके बाद 12:30 से 1 बजे जो आए होंगे 12:59 तक वो 1 बजे प्रोसेस होंगे। तो लाइक वाइज द प्रोसेस रन्स, जबकि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और IMPS में इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंट बाय RTGS मोड इज 2 लाख एंड हैज नो मैक्सिमम लिमिट। ओके, तो अगर हमें डे टू डे लाइफ में यूज करना है तो हम IMPS यूज करेंगे। ओके, अगर शॉपिंग करना है या किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो, बट जो बिजनेस मीडियम स्केल या जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो यूजुअली RTGS मोड इस्तेमाल करेगा। ओके, क्योंकि उनको हो सकता है कि 2 लाख जो अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन है तो वो लेन देन उनका 2 लाख से ज्यादा का ही ज्यादातर रहता है। ओके, RTGS इज नॉट ए 24/7 फैसिलिटी एंड इट इज अवेलेबल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक्स। ओके, चलिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI क्या है? इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS। ओके, राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस टू मेक कैशलेस पेमेंट्स फास्टर, इजियर एंड स्मूदर। UPI इज अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टिसिपेटिंग बैंक। अपने को पता है, ठीक है, किसी भी बैंक के थ्रू किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आजकल ये काफी आसान हो चुका है। मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट्स इनटू वन हुड। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड UPI विथ 21 मेंबर बैंक्स इन 2016। ओके, तो NPCI उसको रन करता है। आप जब भीम UPI खोलोगे तो वहां पे आपको NPCI का सिंबल भी देखने को मिलेगा और मैनेज्ड बाय NPCI ऐसा लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और ये 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? द भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज ड्रिवन बाय NPCI ओनली। इट इज अ वन स्टेप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स। आप जब गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, पूरे दिस इज द सेंट्रल सिस्टम। ओके, तो पूरे इंडिया के कहीं भी कोई भी डिवीजन आप अपने एप्लीकेशन में भी यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो अपने मोबाइल पे। इट इज वन स्टेप वन स्टॉप इको सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स, प्रोवाइडिंग एन इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनी वेयर। सी, मैंने बताया ना आपको कि अपने मोबाइल में बैठे बैठे कहीं भी आप अपने बिल को देख सकते हो। एनी टाइम एनी वेयर बिल पेमेंट सर्विसेज टू ऑल कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया विद सर्टेनिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, एंड आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो जनरली गवर्नमेंट यूज करती है अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। AEPS इज डेवलप्ड बाई NPCI दैट अलाउज पीपल टू कैरी आउट फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन अ माइक्रो ATM बाई फर्निशिंग जस्ट देयर आधार कार्ड एंड वेरीफाइंग इट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगरप्रिंट और आयरिश स्कैन। विद द हेल्प ऑफ दिस पेमेंट सिस्टम फंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू द अकाउंट टू अनदर सिंपली देयर आधार नंबर्स। ओके, आधार नंबर दे के ही, जैसे यहाँ पे हम जब एप्लीकेशन में देते हैं तो अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर देते हैं। ओके, कुछ कुछ एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको सीधा आधार नंबर देना है, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, दिस सिस्टम एड्स अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज बैंक डिटेल्स वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड वाइल कैरिंग आउट दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल लेने की रिक्वायर्ड जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके आधार कार्ड ऑलरेडी बैंक के साथ कंपल्सरीली रजिस्टर होगा। ओके, चलिए, और NPCI क्या है जो ये सारे सिस्टम्स मैनेज करता है? NPCI इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स सिस्टम इन इंडिया। इट वॉज सेटअप विद द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। NPCI वॉज एस्टेब्लिश्ड विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू कंसोलिडेट एंड इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग मल्टीपल सिस्टम्स इनटू नेशन वाइड यूनिफॉर्म सिस्टम एंड अ स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम। ओके, तो अभी भी अपने पास काफी सारी अलग अलग सिस्टम्स है, तो आने वाले सालों में NPCI ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह एक यूनिफॉर्म सिस्टम पूरे कंट्री में लागू कर दिया जाए, जो आपका रेलवे में भी चले, बसेस में भी चले, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी चले, ओके, प्राइवेट ऑफिसेस में भी चले एंड पब्लिक प्लेसेस पे भी चले। ओके, टू फैसिलिटेट एन अफोर्डेबल पेमेंट मैकेनिज्म टू बेनिफिट द कॉमन मैन अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोपेल फिनेंशियल इंक्लूजन। ओके, आजकल आप गाँव में भी जाओगे तो सब्जी वाले भी पेटीएम या फोन पे या
ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर दे तो आजकल अपने लिए ये कोई बड़ी बात नहीं रही। और देखिए, ये चेंजेस पिछले 3-4 सालों में ही हुआ है, उससे पहले इतना डिजिटल यूज़ नहीं था ओके इंडिया में। तो ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है ओके, दैट इज ऑल थैंक्स टू RBI ओके। चलिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज करतारपुर साहिब डैमेज। तो अभी कुछ दिन पहले ओके, 3-4 ऑन 18th of April पाकिस्तान में एक स्ट्रॉम की वजह से जो करतारपुर कॉरिडोर के जो डोम थे, जो गुंबज थे उसके कुछ कुछ, तो उनको काफी नुकसान पहुंचा है ओके। सो इंडिया हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू अटेंड टू रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दैट वर डैमेज्ड इन अ स्ट्रॉम ऑन अप्रैल 18, 2020 ओके। तो पाकिस्तान में ये स्ट्रोम की वजह से कुछ कुछ डोम्स को डैमेज पहुंचा है। द श्राइन इन पाकिस्तान नरोवाल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है, अगर हमने अपने पुराने नोट्स में नहीं लिखा है तो यू शुड जस्ट एड एन अपडेट ओवर देयर ओके। द श्राइन इज इन पाकिस्तान नरोवाल डिस्ट्रिक्ट, बिल्ट वेयर फाउंडर ऑफ द सिख फेथ गुरु नानक देव लिव्ड देयर लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी नवंबर में डिस्कस कर लिया, 9 नवंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ था राइट, करतारपुर कॉरिडोर का। तो जो सिख धर्म के जो फाउंडर है गुरु नानक देव, उन्होंने अपनी अंतिम जो दिन थे वो कहाँ बिताए थे, करतारपुर में बिताए थे ओके, जो कि है नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में। इज हाईली रिवर्ड बाई फॉलोअर्स ऑफ द फेथ एंड अदर वर्शिपर्स इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो सिखों के काफी बड़े गुरु माने जाते हैं ओके, सुप्रीम गुरु माने जाते हैं, और इसीलिए सिखों के लिए काफी बड़ा पिलग्रिम प्लेस है ओके, करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब इज दी मिडस्ट ऑफ ईयर लॉन्ग फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विद दी 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक। और इसी दिन 550th बर्थ एनिवर्सरी को कॉमोमोरेट करने के लिए ही इतना जल्दी आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है ओके, उसको ओपन किया गया था। इट हैज इमर्ज एज अ मेजर मेजर सेंटर ऑफ सिख पिलग्रिमेज इन पाकिस्तान ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर द कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया वॉज ऑपरेशनलाइज। द कॉरिडोर कनेक्ट द करतार साहिब गुरुद्वारा इन नरोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड डेरा बाबा नायक गुरुद्वारा, श्राइन इज गुरुद्वारा ओके, होली प्लेस, डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया पंजाब स्टेट ओके। तो इंडियन साइड से गुरदासपुर एंड पाकिस्तानी साइड से करतारपुर, डिस्ट्रिक्ट कौन से है, यहाँ से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट और वहां पे पड़ेगा आपका नरोवाल डिस्ट्रिक्ट ओके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब गुरु नानक करतारपुर साहिब कौन थे, गुरु नानक देव ट्रेवल्ड थ्रू मैनी कंट्रीज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल पीस हारमोनी एंड लव बिफोर फाइनली अराइविंग इन करतारपुर इन 1521। द देन गवर्नर ऑफ द रीजन ड्यूनी चांद डोनेटेड 100 acres ऑफ लैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी टू हिम। करतारपुर बिकेम अ रिलीजियस साइट आफ्टर ही सेटल्ड देयर। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गुरुद्वारा इन करतारपुर वॉज लेड इन 1572 ओके, एंड द महाराजा रंजीत सिंह कवर्ड इट्स डोम विथ गोल्ड। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट बाई भूपिंदर सिंह द महाराजा ऑफ पटियाला इन 1925 ओके। तो ये आपको थोड़ी हिस्ट्री में दी हुई है रिलेटेड टू गुरु नानक देव करतारपुर साहिब ओके। चलिए, गुरु नानक देव जयंती इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव हु इज द फर्स्ट ऑफ द 10th सिख गुरुज एंड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की है ओके, जिनकी 2019 का जो 1920 का जो साल है वो उनका 550th बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाएगा। ही एडवोकेटेड द निर्गुणा फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द भक्ति। अब निर्गुणा फॉर्म क्या है, आपका आर्ट एंड कल्चर में आपको ये टॉपिक सीखा होगा आपने ओके। सो निर्गुणा फॉर्म ये है कि जहाँ पे आप किसी आइडल की पूजा नहीं करते, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, एंड फॉर्मलेस गॉड की आप पूजा करोगे ओके। सो डिवोशन टू एंड वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस डिवाइन। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज एंड दिस स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ओके। ना उनको हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया, ना उन्होंने मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया, और उसी लिए उन्होंने एक नया धर्म की स्थापना की जो इन दोनों से
काफी मिलता जुलता बट बहुत मायनों में अलग था, एंड दैट द रिलीजन इज नोन एज सिखिज्म। ओके चलिए, तो ये थोड़ी मैंने आपको दी हुई है। और जो आप सुनते हो, जो उनकी जो प्रेयर्स होती है, दैट इज नोन एज गुरबानी। ओके, गुरबानी इज द इन सिंपल टर्म ऑफ गुरु की वाणी। ओके, दी प्रेयर्स ऑफ गुरु। ओके, और गुरु कौन है? आपके गुरु नानक देव। ओके, तो वो काफी सारी लैंग्वेजेस, काफी सारे बॉलीवुड मूवीज में भी हमने ये सुनी होगी, काफी सारी लैंग्वेजेस में भी आपने सुनी होगी। ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राफ्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नाउ व्हाट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? तो पहले तो कल्चरल हेरिटेज तो अपने को सबको पता है। नाउ व्हाट इज इंडियाज कल्चरल हेरिटेज? जो अलग अलग स्टेट का, अलग अलग रीजियन का, अलग अलग कम्युनिटीज का जो कल्चरल हिस्ट्री है, दैट इज नोन एज देयर कल्चरल हेरिटेज। व्हाट इज इंटेंजिबल हेरिटेज? ओके, तो जिस हेरिटेज को आप छू नहीं सकते, आप मेजर नहीं कर सकते, ओके, दैट हेरिटेज इज नोन एज इंटेंजिबल हेरिटेज। ओके, मान लीजिए कि फोक सॉन्ग्स जो है, ओके, तो फोक सॉन्ग को आप कभी छू पाओगे? ठीक है, मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जबकि ताजमहल बना है, या चार मीनार बनाई गई है, ओके, या लाल किला बनाया गया है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बनाया गया है, तो दैट इज टेंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कि भाई हाँ, वो मुझे पता है कि भाई वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे इतने सालों सालों से टिका हुआ है, वहां पे बनाया हुआ है, अभी भी वहां पे खड़ा हुआ है। कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को आप मेजर नहीं कर सकते, आप अपने हाथों में छू नहीं सकते। ओके, तो ये हम क्यों करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, तो वो आप डिस्कस करेंगे हम। द नेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, विच इज शॉर्टली नोन एज ICH। ओके, सो द नेशनल ICH लिस्ट इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चरल एम्बेडेड इन द इंटेंजिबल हेरिटेज। तो इंडिया कितना रिच है कल्चरल हेरिटेज में इंटेंजिबली, उसको रिकॉग्निशन देने के लिए एक लिस्ट बनाया गया है। ओके, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी वेरियस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड एंश्योर देयर प्रोटेक्शन। ओके, मान लीजिए कि गुजरात में एक इंटेंजिबल हेरिटेज का अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना है, तो मान लीजिए डायरो, ओके, जो फोक सॉन्ग का जो प्रोग्राम होता है, डायरो ले लीजिए, गरबा ले लीजिए। ओके, तो गरबा को आप कभी मेजर नहीं कर सकते। ओके, दैट इज द थिंग दैट यू फील। ओके, कि भाई ये अपना हेरिटेज है, ठीक है, उसको गरबा को बंद करके मैं तिजोरी में रख नहीं सकता, राइट? सो दोज थिंग्स आर नोन एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, द इनिशिएटिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द विजन 2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, वो उन्होंने एक विजन 2024 डिक्लेयर किया है, जहाँ पे वो इंडिया को कल्चरली रिच बनाना चाहते हैं और उसको रिकॉग्निशन दिलाना चाहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो ये उसका भी पार्ट है। इट हैज द लिस्ट हैज मोर देन 100 एलिमेंट्स विच वाज आल्सो इंक्लूड 13 एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, हैज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 100 ऐसी ऐसे कल्चर्स की एक लिस्ट बनाई है, विच इज नोन एज एलिमेंट्स हियर। ओके, तो ऐसे 100 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है जो दैट कैन बी काउंटेड एज इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें से 13 एलिमेंट्स जो है, 13 चीजें जो है, उसको यूनेस्को की तरफ से ऑलरेडी रिकॉग्निशन मिल चुका है। फॉलोइंग यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये लिस्ट हमने क्यों बनाई है? क्योंकि यूनेस्को की कन्वेंशन 2003 में हुआ था, सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस लिस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रॉड डोमेन्स इन विच इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इज मैनिफेस्टेड। ओके, सो दैट 2003 कन्वेंशन इज अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, विच वॉज अडॉप्टेड बाई द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को इन 1972 इन ऑर्डर टू प्रमोट आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन एंड सेफ गार्डिंग ऑफ नेचुरल कल्चरल हेरिटेज। देखिए, ये जो पॉइंट है,
आपको लगेगा कि भाई इतना 1972 का हम क्यों पढ़ रहे हैं, ओके, बट ये आपको जब स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, तो उसमें से एक या दो स्टेटमेंट्स इस पैराग्राफ के रिलेटेड भी हो सकते हैं कि भाई कौन से कन्वेंशन में, कौन सा पार्ट में ये डिसाइड हुआ था, कौन से पार्ट में ये डिसाइड हुआ था दैट वी आर गोइंग टू प्रिजर्व अवर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, जो 5 डोमेन्स है जिसके बेसिस पे ये कल्चरल हेरिटेज को फिल्टर किया गया है, वो कौन से है? ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ओके। देखिए, कुछ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ओके, बट दैट इज नोन एज कल्चरल हेरिटेज, राइट? तो वैसी लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, गरबा हो गया, कलरीपयट्टू हो गया केरला का, ओके, कोलम हो गया, जो ये सारी चीजें हमने आगे पढ़ी थी क्लास में, ओके। सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स, जैसे गरबा हो गया, भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, तो ये सारी चीजें जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, बट दो, सो दैट्स वाई दोज आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल हेरिटेज। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, ओके, जो जो है आपका चौथा डोमेन। और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, तो ये जैसे कच्छी भरत काम हो गया, ओके, तो ये पांचों चीजों, 5 डोमेन के अंतर्गत आपके जो 100 जितने जो आपके कल्चरल हेरिटेज है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। केरलाज मार्शियल आर्ट फॉर्म कलरीपयट्टू, ओके, कलरीपयट्टू इज द प्रोनाउंसिएशन, एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डिजाइंस एट द एंट्रेंस ऑफ होम्स एंड टेम्पल्स कॉल्ड कोल्लम इन केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आर इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट लिस्ट, ओके। सो कोलम क्या है? तो जैसे हम रंगोली करते हैं, ओके, घरों के बाहर, ओके, सो दैट इज नोन एज कोलम। द प्रेजेंट आइटम्स इन द लिस्ट हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट सेंक्शन अंडर द स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। तो ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने कल्चरल फॉर्म्स को परमिशन मिली थी उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2013, ओके। और जो 13 जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूनेस्को, वो उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट वंस, ओके। देखिए, कुंभ मेला को भी ऐड किया गया है क्योंकि दैट इज इंडियाज बिगेस्ट कल्चरल हेरिटेज, ओके। इतना बड़ा गैदरिंग, ह्यूमन गैदरिंग कभी दुनिया में कहीं पे होता नहीं है, ओके। नवरूज, योगा, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, संकीर्तना, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियट्टम, ओके, संस्कृत थिएटर, रमन, मदियट्टू, कालबेलिया फोक सॉन्ग्स, ओके। कालबेलिया फोक सॉन्ग्स, आई होप आपने काफी सारे बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, ओके, जिसमें एक प्लेट होती है उसके ऊपर जो डांसर्स होते हैं, उसके फोक डांसर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर काफी सारे प्रॉब्स लेके डांस करते हैं, ओके। चलिए, तो ये जो 13 जो आपके हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, ओके। चलिए, एंड दिस इज फॉर योर स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। तो ये सेटअप की गई थी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ड्यूरिंग 2013-14 में, ओके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम क्या था? टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, ओके, विया वाइडर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस, डिसेमिनेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिच, डाइवर्स एंड वास्ट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन ऑफ सेम बाय यूनेस्को, ओके। और इसका सपोर्ट ये है कि जो ऐसे कलाकार हैं, ओके, जो इसके साथ जुड़े हुए कल्चरल हेरिटेज के साथ, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दी जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन का हिस्सा बनाया जाए, ओके। तो आपको पता होगा कि 2014 नई गवर्नमेंट के आने के बाद जो कल्चरल जो आर्टिस्ट है उनको पद्मश्री, पद्म भूषण या जो भी नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो काफी अच्छे तरीके से उनको काफी ज्यादा परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ओके। तो ये था आपका टॉपिक रिलेटेड टू
इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स। ओके, देखिए बेंगलोर ब्लू ग्रेप्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इसका सीजन अभी चल रहा है साउथ के रीजियन में, बट उसका जो सेल है वो काफी कम हो गया है। ओके, चलिए, द कोविड 19 लॉकडाउन हैज इंफेक्टेड द सेल ऑफ बेंगलोर ब्लू वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। ओके, बेंगलोर ब्लू कैरेक्टराइज बाई फॉक्सी फ्लावर इफेक्ट ऑफ अ फ्लावर सब्सटेंस कॉल्ड मिथिल एंथर्निलेट। ओके, इज एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन बेंगलोर अर्बन चिकबल्लापुर एंड कोलार डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे ही पाए जाने वाली ये ग्रेप्स की एक प्रजाति है। इट इज ग्रोन इन रेड सैंडी लोम सॉइल एट अ डे टेम्परेचर अबाउट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टेम्परेचर ऑफ 12 to 15 डिग्री सेल्सियस विच इज यूनिक टू बेंगलोर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। द ग्रेप्स डेवलप देयर टिपिकल डार्क पर्पल कलर एट दिस टेम्परेचर। ओके, दीज ग्रेप्स आर मोस्टली यूज फॉर मेकिंग जूस एंड वाइन और स्पिरिट। ओके, इन 2013 द वेराइटी वॉज गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस एंड दैट्स वाई वी आर कवरिंग दिस इन अवर न्यूज, क्योंकि अपने लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, स्टेटस जो है, वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम अवर एग्जाम परस्पेक्टिव। ओके, चलिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस क्या है? जी आई इज एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफाइनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी। कोई पर्टिकुलर रीजियन में ही अगर वो चीज़ पाई जाती है तो उस चीज़ को जी आई टैग दिया जा सकता है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिलेटिंग टू गुड्स इन इंडिया। द एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाई द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, ये हो सकता है कोई IAS ऑफिसर हो। ओके, दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट चेन्नई, तो उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन चेन्नई। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. It can be renewed from time to time for a further period of 10 years each. 10 साल से ज्यादा आप किसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं दे सकते या 10 साल से ज्यादा के लिए उसको रिन्यू भी नहीं कर सकते। ओके, मैक्सिमम पीरियड फॉर रिन्यूअल इज 10 years. It is also part of the World Trade Organization's trade related aspects of intellectual property rights. Okay, तो ये TRIPS का भी एक पार्ट है जो आपको याद रखना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो TRIPS का पार्ट है। ओके, और रिसेंट जो अभी भी पिछले कुछ 5-6 महीनों में जिसको जी आई टैग मिले हैं वो क्या क्या है? तिरूर वेट्टिला, ओके, केरला का है, हमने देखा था कि तिरूर डिस्ट्रिक्ट में यूजेनॉल नाम का एक सब्सटेंस इसमें पाया जाता है। ओके, जिसको हम हिंदी में सोपारी के पान बोलेंगे। ओके, तो यूजेनॉल की वजह से उसकी जो बिटर स्मेल जो होती है वो दैट ऑल थैंक्स टू सब्सटेंस called eugenol. okay, then देखे डिंडीगुल लॉक एंड कंदगा इस सारे इन तमिलनाडु। ओके, ये भी हमने क्लास में किया था। एंड ओरिस्सा रसगुल्ला। ओके, देखिए रसगुल्ला के लिए पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले और ओरिस्सा के रसगुल्ले में कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था, काफी सालों से लड़ाई चली आ रही है। वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को 2017 में जी आई टैग मिला था और ओरिस्सा के रसगुल्ला को 2019 में जी आई टैग मिला है। ओके, सो आई होप एवरी टॉपिक इज क्लियर नाउ। ओके, अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड प्लीज 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 गाइज, ये जो टाइम मिला है उसमें पढ़िए, क्योंकि इसके बाद जब सारी चीज़ें नॉर्मल होगी तब आप सीधे एग्जाम में जाओगे, ठीक है, तब आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ,